रायपुर में रथ मैदान में शनिवार को बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुल्तानपुर से अधिष्ठाता रघुनाथ की पालकी वाद्य यंत्रों की थाप के सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ रथ मैदान में पहुंची, जहां पर भगवान रघुनाथ को रथ में बैठाने के बाद विधिवत पूजा अर्चना और आरती की गई। राज परिवार के सदस्यों ने रथ के चारों ओर 9 बार परिक्रमा की। इसके बाद जय श्री राम के नारों से श्रद्धालुओं ने रघुनाथ के रथ को खींचकर उनके अस्थाई शिविर तक पहुंचाया। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान के दर्शन किए। प्रतीक रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और हनुमान भी इस मौके पर उपस्थित थे। हनुमान की भूमिका बैरागी समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा निभाई जाती है। रंग बिरंगे और अधिकतर पीले वस्त्रों से सजे हुए लोगों ने वसंत पंचमी की इस बेला को करीबी से निहारा। भगवान रघुनाथ की एक झलक पाने के लिए भक्त लंबी कतारों में देर तक खड़े रहे। कुल्लू में बसंत पंचमी का आगाज होने के साथ ही रघुनाथपुर की होली भी शुरू हो गई है। देखिए, आज के दिन में रघुनाथ जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद और सीता जी के साथ अयोध्या लौट रहे थे और रास्ते में नंदी गांव में उनका पुष्प विमान रुका और उन्होंने हनुमान जी को निर्देश दिया कि तुम अयोध्या जाओ और देखो मेरा भरत बदल गया है या वही पुराना भरत है, और फिर मुझे सूचना दो। अगर वो बदल गया है तो आप ऐसे ही लौट आना, लेकिन सूचना ज़रूर दो वो क्या करता है, फिर हम देखेंगे। तो जब गए, हनुमान जी ने जब सूचना दी, उस समय भी भरत जी रघुनाथ जी के खड़ाओं सामने रखे पूजा कर रहे थे। वो पूजा छोड़कर एकदम खड़े हो गए और रोने लगे के कहा, मेरा भाई, मेरे को अभी उनके पास ले चलो। और नंगे पांव दौड़कर वो नंदी गांव की ओर चले और हनुमान जी भी साथ में गए और गुरु विशिष्ट साथ थे। वो जाकर नंदी गांव में भगवान के पांव पड़े। तो आज का ये दिन भरत मिलाप का दिन भी कहलाता है कि राम और भरत भैया दोनों आपस में मिले बहुत अरसे के बाद। तो ये तो भरत मिलाप है और फिर आज के दिन से होली का आरंभ भी है। आज अब यहाँ बैरागी बसंत गाएंगे और 40 दिन लगातार ये बसंत का उत्सव चलता है और फिर होलिका दहन के साथ संपन्न हो जाता है। और यूँ भी ये ऋतु का भी परिवर्तन है, क्योंकि अब जो शरद ऋतु है वो लगभग समाप्त है और बसंत ऋतु कुछ ही दिनों में आरंभ हो जाएगी। तो आज के दिन से ही हम समझते हैं कि बसंत ऋतु का अब सूर्य उदय हुआ है। कुल्लू में 40 दिन तक प्रतिदिन रघुनाथपुर में होली के गीत गाए जाएंगे और भगवान रघुनाथ के चरणों में गुलाल चढ़ाया जाएगा। क्योंकि महंत राजा के गुरु थे, इसलिए पूरे आयोजन में आज तक महंत समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुरु वशिष्ठ की भूमिका भी महंत निभाते हैं और हनुमान जी का रूप भी महंत ही धारण करते हैं। उत्सव में हनुमान द्वारा लगाए गए सिंदूर को भी शुभ माना जाता है। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बसंत पंचमी मनाई जा रही है और यहाँ का कल्चर जैसे कि बहुत डिफरेंट है। रघुनाथ जी को आज फिर से बाहर निकाला गया है अपने मंदिर से और यहाँ पे जो रघुनाथ जी हैं उनको येलो कलर बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत मोहित करता है। तो मैक्सिमम लोग जितने भी हैं यहाँ पर सब ने येलो कलर पहना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो बसंत पंचमी जैसे मनाई जा, हमने भी रघुनाथ जी के दर्शन किए हैं, उनकी रथ यात्रा अटेंड की है पूरी, तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें। और आज ही से जैसे 40 दिन बाद होली मनाई जाती है, रंगों का फेस्टिवल, तो वो आज ही से शुरू होता है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर। रथ यात्रा, रघुनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा फील हो रहा है।